आदरणीय सभापति जी, अपीजमेंट ने इस देश को तबाह करके रखा है और इसलिए हमने जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, इस सिद्धांत को लेकर के हम चले हैं। आदरणीय सभापति जी, 10 साल के हमारे कार्य को देखने परखने के बाद भारत की जनता ने हमारा समर्थन किया है। आदरणीय सभापति जी, हमें फिर एक बार 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का मौका मिला है। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव ने इस बात को सिद्ध किया है कि भारत की जनता कितनी परिपक्व है, भारत की जनता कितने विवेकपूर्ण रूप से और कितने उच्च आदर्शों को लेकर के अपने विवेक का सद्बुद्धि से उपयोग करती है। और उसी का नतीजा है कि आज तीसरी बार हम आपके सामने, देश की जनता के सामने नम्रता पूर्वक सेवा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हमारी नीतियों को देखा है, हमारी नियत, हमारी निष्ठा, उस पर देश की जनता ने भरोसा किया है। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव में हम जनता के बीच एक बड़े संकल्प के साथ देश की जनता के पास आशीर्वाद मांगने के लिए गए थे और हमने आशीर्वाद मांगा था विकसित भारत के हमारे संकल्प के लिए। हमने विकसित भारत के निर्माण के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ, एक शुभ निष्ठा के साथ, जन सामान्य का कल्याण करने के इरादे से हम गए थे। जनता ने विकसित भारत के संकल्प को 4 चांद लगा करके हमें फिर से एक बार विजयी बना करके देश की जनता की सेवा करने का मौका दिया है। आदरणीय सभापति जी, जब देश विकसित होता है तब कोटि कोटि जनों के सपने पूरे होते हैं। देश जब विकसित होता है तब कोटि कोटि जनों के संकल्प सिद्ध होते हैं। आदरणीय सभापति जी, जब देश विकसित होता है तब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत नींव